हेलो एवरीवन, नेहा मैम हियर। सो नाउ वी हैव टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 9.1। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू डू राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब मैंने रेशनल नंबर्स को किस ऑर्डर में चेंज करना है? असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलर टू ग्रेटर। वी हैव टू पुट अप डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स ग्रेटर टू स्मॉलर। इफ़ यू हैव अ कन्फ्यूजन तो आप देखिए असेंडिंग डिसेंडिंग। तो विच नंबर कम, अभी देखिए ए कम फर्स्ट और डी। ए पहले आता है, डी ऑब्वियसली ए कम फर्स्ट, ए पहले आता है। इट मीन्स आप कैसे रिमाइंड कर सकते हैं स्मॉलर टू, जिन बच्चों को कन्फ्यूजन होता है रिमाइंड करने में, स्मॉलर टू ग्रेटर। डी बाद में आता है, इट मीन्स ग्रेटर टू स्मॉल। ओके, सो वी हैव टू अरेंज द रेशनल नंबर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर। इट मीन्स स्मॉलर टू अकॉर्डिंग टू स्मॉलर टू ग्रेटर। ओके, सो फर्स्ट अगेन द फर्स्ट स्टेप, आपको हमेशा कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर ग्रेटर है दैट यू हैव टू फाइंड बाई मेकिंग द डिनोमिनेटर इक्वल। ओके, सो कम ऑन द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन इज, हेयर वी हैव थ्री नंबर्स, -3/5, -2/5, -1/5, एंड ऑल द डिनोमिनेटर्स आर इक्वल। वेयर ऑल द डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, इट मीन्स व्हेन डिनोमिनेटर्स आर इक्वल देन इट्स ईजी टू फाइंड, नो नीड टू मेक द डिनोमिनेटर्स सेम इफ ऑलरेडी दे आर सेम। देन वी हैव टू फाइंड फ्रॉम द न्यूमरेटर विच वन इज़ ग्रेटर विच वन इज स्मॉलर। अगर आपके डिनोमिनेटर सेम है तो आपको डिनोमिनेटर इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है, आप न्यूमरेटर से फाइंड आउट कर सकते हैं। बट आपको ये रिमाइंड करना है कि अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर से आप कैसे फाइंड करेंगे। आप सबसे पहले बताइए, आपका ये -3 है, -2 है, -1 है, विच नंबर इज़ ग्रेटर, सबसे बड़ा नंबर इसमें से कौन सा है? ऑब्वियसली सबसे बड़ा नंबर दिया होगा। नेगेटिव्स में क्या होता है? जो सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है। इट मीन्स -1 सबसे ग्रेटर है, ठीक है, -2 से, और -2 ग्रेटर है -3 से, ठीक है। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा है इन्होंने कि फाइंड आउट द नंबर्स, अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े। तो सबसे छोटा आप इसे अपोजिट कर दो, ये हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा क्या है? -3, देन -2, देन -1। अब हमें कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम साइन ऐसे लगाएं, लेफ्ट में लगाएं या राइट में लगाएं, तो उसका कन्फ्यूजन क्या है? देखिए, जो चीज़ आपकी ग्रेटर होता है, जो नंबर आपका ग्रेटर होता है, जो ये जो पार्ट है आपका, आप उसे बीक समझिए, बर्ड की, जो बर्ड की बीक है वो वहाँ पे ही ओपन होती है जो वो आप नंबर आपका ग्रेटर होता है। तो यहाँ पे -2, -3 में से कौन सा नंबर ग्रेटर है? -2 ऑब्वियसली, जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। इट मीन्स आपका ये बीक बर्ड की कहाँ खुली? ओपन हुई -2 की तरफ। -2 और -1 में से कौन सा ग्रेटर है? -1, क्योंकि ये छोटा ही ग्रेटर होता है। इट मीन्स आपका बीक कहाँ खुली? -1 की तरफ। ओके, इट मीन्स -3 लेसर है -2 से, -2 लेसर है -1 से। हैंड्स व्हेन वी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर वी विल गेट -3/5, -2/5, -1/5। ओके, चलिए नाउ कम ऑन सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट, हियर वी हैव 1/3, -2/9, and -4/3. So first step to see whether the denominators are equal. No, denominators are not equal, they are different. Okay, so first step to make the denominator equal. To make the denominator equal, take the LCM of 3, 9, and 3. 3, 9, 3 LCM will be 9. You all know how to find LCM. LCM nikalna aata hai. Kaise? 3 ones are 3, 3 threes are 9, 3 ones are now, 3 threes are 1 हो जाएगा, 3 1 3 1 हो जाएगा, तो आपका एलसीएम क्या आएगा? 9 आएगा। तो 9 बनाने के लिए अगर आप एलसीएम नहीं ले सकते तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कौन सा ऐसा नंबर है, विच नंबर विल कम इन ऑल टेबल, सबकी टेबल में आता है, वो आप कॉमन नंबर से आप कॉमन नंबर फाइंड आउट करके यू कैन मेक द डिनोमिनेटर इक्वल। अब यहाँ देखिए एलसीएम 9 है, तो ये तो ऑलरेडी 9 है, तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। 9 अगर आप 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इट इज़ ऑल्सो करेक्ट, नहीं भी करेंगे दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। अब यहाँ 9 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, और यहाँ पे 9 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हो गया आपका, यहाँ डिनोमिनेटर सेम हो गया, 3/9
minus 2 upon 9 and it will be minus 12 upon 9. So 3 minus 2 and minus 12 we get. हमें 3 मिला, minus 2 मिला, minus 12 मिला numerator में. अब आप find out करिए which one is smaller. अब ये तो positive number है, ये negative number है. तो positive number और negative numbers हैं, तो obviously positive number तो हमेशा greater होता है. अब पहले find out करिए कि minus 2 और minus 12 में से सबसे छोटा कौन सा है. जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा, यानी कि माइनस 12 सबसे छोटा होगा. अब उसके बाद सेकंड नेगेटिव नंबर आएगा. अब सबसे बड़ा क्या होगा हमारा, 3 होगा. इट मींस सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर सबसे छोटा होगा. ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है. और पॉजिटिव नंबर हमेशा ग्रेटर होता है नेगेटिव नंबर से. सो माइनस 12 अपॉन 9, 2 अपॉन 9, 3 अपॉन 9, और वी कैन से माइनस 12 upon 9 is lesser than minus 2 upon 9 and 2 minus 2 upon 9 is lesser than 3 upon 9. Hence, the required ascending order is minus 4 upon 3 lesser than minus 2 upon 9 lesser than 1 upon 3 because this in question it is arcs of these rational numbers. ठीक है, ये rational numbers में तो हमने change किया था, but we have to write of original rational number also which is arcs in the question. Come on, third part is minus 3 upon 7, minus 3 upon 2 and minus 3 upon 4. These are the rational numbers. Yeah, my rational numbers. Now to make the denominator equal, first we have to take the LCM. So what is the LCM? 7 to 4. When you will take the LCM, you will get 28. Okay, 7 to 4 ka LCM 28 aayega. Or think about which number come in the table of 7 to 4, which is a common number which we find in all three tables 7 to 4. कौन सा ऐसा कॉमन नंबर है जो आपको 7 की टेबल में मिलेगा, 2 की टेबल में भी मिलेगा और 4 की टेबल में भी मिलेगा. ऑब्वियसली 28, बिकॉज 7 4s are 28 और 2 12s are 2 14s are 2 14s are 28 and 4 4 7s are 4 7s are yes. So now you can also take LCM और LCM से भी कर सकते हैं इफ़ यू हैव कन्फ्यूजन, या आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा कॉमन नंबर है. सो टू मेक 24 वी हैव मल्टीप्लाई बाय 4 हियर टू मल्टीप्लाई बाय 20, आपको यहाँ 28 बनाना है तो आप 2 4. अब हमें कैसे पता चलेगा यहाँ 14 आएगा, क्योंकि हमें तो 10 तक टेबल आती है. जिन टेबल अगर आपका नंबर ग्रेटर था, आप क्या करेंगे, जो आपका LCM है आप उसे न्यूमरेट उसे आप डिवाइड करेंगे. किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे जो आपको डिनोमिनेटर में, जिस डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है, या किससे मल्टीप्लाई करना है, किसकी टेबल फाइंड करना है, 2, यानी कि 2 की टेबल में 28 कितनी बार आता है. 2 1 2 कैंसल, 8 2 4 8. इट मींस आपके 2 की टेबल में 14 टाइम्स आता है, तो वी विल मल्टीप्लाई बाय 14. यहाँ 4 की टेबल में 28 वी नो डायरेक्टली ओनली 7 टाइम. ओके, तो आपका ये हो गया माइनस 12 अपॉन 28 and 14 threes are, it means 42, to minus 42 upon 28. And similarly 7 threes are 21, it means minus 21 upon 28. These are the rational number we get. Now we have to find which is smaller, which is greater. For that we have to arrange. सबसे पहले ascending order में change करने से हमें smaller to greater लगाना है, छोटे से बड़ा. तो minus 12, minus 42 एंड 21 में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है. तीनों नेगेटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव्स में क्या होता है, सबसे ग्रेटर सबसे छोटा होता है, तो सबसे बड़ा क्या है, 42. तो माइनस 42 पहले आ गया. अब 42 कैंसिल कर दीजिए. अब इन दो में देखिए, माइनस 12 और माइनस 21 में सबसे ग्रेटर कौन सा है, 21. तो चौक ग्रेटर विल बी द स्मॉलर. अब ये आएगा माइनस 21, अब माइनस का 12. ओके, दीज आर द स्टेप. इट मीन्स माइनस 42 अपॉन 28, माइनस 21 अपॉन 28 एंड माइनस 12 अपॉन 28 इज द आंसर. इट मीन्स माइनस 42 अपॉन 28 इज लेसर देन माइनस 21 अपॉन 28, दिस इज लेसर देन माइनस 12 अपॉन 28. हैंस द रिक्वायर्ड असेंडिंग ऑर्डर इज माइनस 3 अपॉन 2 लेसर है माइनस 3 अपॉन 4 से, ये लेसर है माइनस 3 अपॉन 7 से. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क फ्रॉम मी. So here we have finished our exercise 9.1. If you liked the video, please like, share and subscribe. Thank you. Meet you in the
next video of the next exercise, that is exercise 9.2. Till then, stay blessed, stay safe, and complete your work in your classroom copy. See the videos very carefully and practice the exercise. Thank you.